एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है, जिसमें 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं राम मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर दूर अयोध्या के धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बन रही है। दावा है कि ये मस्जिद ताजमहल से खूबसूरत होगी। मस्जिद की जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुसलमानों को दिया था। अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख का कहना है कि अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद भारत में सबसे बड़ी होगी। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत मस्जिद अयोध्या में बनने जा रही है, धनीपुर में। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और लोग उस मस्जिद में जाएंगे, नमाजें अदा करेंगे। जिस मस्जिद का नाम होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जितना बड़ा नाम है, मेरे पैगंबर का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, उस नाम की बाबरकत से इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, दीन की बारिश होगी और नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। हाजी अराफात शेख ने दावा किया कि इसकी सुंदरता ताजमहल को मात देगी। शाम की नमाज के साथ मस्जिद में फव्वारे जीवंत हो उठेंगे। ये ताजमहल से भी अधिक सुंदर होगा और सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव के लिए इस मस्जिद को देखने आएंगे। इस मस्जिद में 5000 पुरुषों और 4000 महिलाओं समेत 9000 श्रद्धालु एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद में 5 मीनारें होंगी जो इस्लाम के 5 स्तंभों नमाज, रोजा, जकात, तौहीद और हज का प्रतीक होंगी। इस मस्जिद के अलावा परिसर में एक 500 बेड वाला कैंसर अस्पताल, स्कूल और लॉ कॉलेज, एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय और एक पूरी तरह से शाकाहारी रसोई घर भी होगा, जहां जरूरतमंदों और आने वालों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। ये मस्जिद दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। यहां पे लोगों को फायदा पहुंचेगा, दुआओं से भी, दवाओं से भी, इल्म से भी, भूख से भी। जो जरूरत रोजमर्रा की चीज क्या है जीवन में, लोगों को खाना चाहिए वहाँ खाना मिल जाएगा, दवा चाहिए वहाँ पे दवा मिल जाएगी, पढ़ाई चाहिए पढ़ाई मिल जाएगी, इलाज चाहिए इलाज मिल जाएगी, सुकून चाहिए नमाज मस्जिद है, पढ़ लो आओ, और हर एक जाति धर्म के लोग आए और सुकून से वहाँ पे दुआएं मांगे और इस देश की रौनक को और बढ़ाए। अयोध्या मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने आगे बताया कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद में पहली इबादत मक्का के इमाम या इमामे हरम अब्दुल रहमान अल सुदैस की तरफ से की जाएगी। मक्का के इमाम के साथ साथ अरब देशों के बड़े नामी मुस्लिम हस्तियों को न्योता दिया जाएगा। हाजी अराफात ने यह भी बताया कि इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। और खास बात ये है कि इस कुरान का रंग भगवा होगा, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं। मुसलमान इसे सूफी संत चिश्ती का रंग कहते हैं। अयोध्या में प्रस्तावित मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में लगने वाली ईंट बेहद खास है। पहली ईंट पर मस्जिद के नाम के साथ कुरान की आयतें लिखी होंगी। हर भारतीय दुनिया से रुखसत ले चुके अपने चहेते के नाम की ईंट भी लगवा सकते हैं।